नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। वर्ल्ड कप 2023 खत्म हो चुका है, सभी टीमें अब अपनी सीरीज की तैयारियों में लग चुकी हैं। वहीं आईसीसी ने श्रीलंका को एक और झटका दिया है। पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था, वहीं अब आईसीसी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। श्रीलंका से अंडर-19 वर्ल्ड कप की होस्टिंग राइट छीन ली गई। पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप इस देश में होना था, अब अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। वहीं आईसीसी ने क्रिकेट में एक नया नियम भी लागू कर दिया है। ये नियम वनडे और T20 क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाएगा। इस नियम का नाम स्टॉप क्लॉक है। ये नियम खेल की गति को बढ़ाने के लिए लाया गया है। बता दें, ओवरों के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए स्टॉप क्लॉक की शुरुआत की जा रही है। ये नियम दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक ट्रायल के रूप में लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत ओवर खत्म होने के बाद 60 सेकेंड के अंदर अगला ओवर शुरू करना है। ऐसा ना करने पर 5 रनों की पेनल्टी लग सकती है। कुल मिला के कहें तो अब शायद कप्तानी और मुश्किल हो जाएगी। गेंदबाजों का लंबा स्पेल डालना भी मुश्किल हो सकता है। आईसीसी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप को श्रीलंका से साउथ अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया है। श्रीलंका क्रिकेट में प्रशासनिक अनिश्चितता को देखते हुए आईसीसी बोर्ड ने ये फैसला लिया है। लंबे विचार विमर्श के बाद आईसीसी ने श्रीलंका बोर्ड को निलंबित करने के 10 नवंबर के फैसले को बरकरार रखने का फैसला किया है। देश में क्रिकेट सामान्य रूप से जारी रहेगा, वहीं निलंबन को रद्द नहीं किया जाएगा। इससे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इन्हें 4-4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में मौजूद चैंपियन भारत के साथ ही 2020 की चैंपियन बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका की टीम है। भारतीय टीम अपना पहला मैच 14 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 18 जनवरी को टीम की टक्कर अमेरिका और फिर 20 को आयरलैंड से होगी। वहीं आईसीसी ने दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक पुरुषों के वनडे और T20 क्रिकेट में ट्रायल के रूप में स्टॉप क्लॉक शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इस घड़ी का उपयोग ओवरों के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए किया जाएगा। नियम के मुताबिक यदि गेंदबाजी करने वाली टीम पिछले ओवर के पूरा होने के 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर फेंकने के लिए तैयार नहीं होती है तो पारी में तीसरी बार ऐसा होने पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी बोर्ड की बैठक में लिया गया। पहले से ही स्लो ओवर का नियम लागू है। एक दिवसीय मुकाबलों में बॉलिंग साइड को 50 ओवर फेंकने के लिए 3.5 घंटे दिए जाते हैं। वहीं T20 में टीम को 20 ओवर फेंकने के लिए 1 घंटे और 25 मिनट मिलते हैं। अगर कोई भी टीम समय रहते ओवर्स पूरे नहीं करती है तो स्लो ओवर रेट के नियम के चलते टीम को बचे हुए ओवर्स में 30 यार्ड के सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी ज्यादा रखना पड़ता है। साथ ही आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत जुर्माने का भी प्रावधान। वहीं स्टॉप क्लॉक के नियम से अब बल्लेबाजी की टीम को फायदा होगा। अगर कोई भी टीम पिछले ओवर पूरा होने के अगला ओवर फेंकने के लिए 2 बार से ज्यादा 60 सेकंड का समय लेती है तो बल्लेबाजी की टीम को 5 रन दिए जाएंगे। हमेशा देखा गया है कि मैच का नतीजा बदलने के लिए 1-1 रन काफी होता है। ऐसे में ये 5 रन बल्लेबाजी की टीम के लिए काफी काम आ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज़।